बनारस से चला गंगा विलास क्रूज छपरा में जाकर फंस गया, क्योंकि छपरा में पानी कम था। दर्जनों विदेशी सैलानियों को क्रूज से उतारकर लाया गया। बाद में जैसे तैसे क्रूज चालू हुआ और आगे बढ़ा। इस बात से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या गंगा में पानी कम हो रहा है? ऐसी सिचुएशन में भी अडानी जी को गंगा से पानी खींचने की इजाज़त दी जा रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अडानी जी हर साल साहिबगंज में गंगा नदी से 36 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी को खींचेंगे। साहिबगंज में अडानी का जल पंपिंग स्टेशन बनाया गया है, जिससे पवित्र गंगा जल पाइपलाइन के जरिए 90 किलोमीटर दूर गोड्डा के पावर प्लांट तक भेजा जाएगा। गंगा के इस पानी को गोड्डा में अडानी कंपनी के बड़े पैमाने पर पावर प्लांट में पाइप किया जाएगा, जहां इसका इस्तेमाल कोयले को धोने, इंडस्ट्रियल कचरे के मैनेजमेंट और टरबाइनों को चलाने के लिए, भाप पैदा करने के लिए किया जाएगा। कमाल की बात यहां ये है कि अडानी के इस पावर प्लांट से बनने वाली बिजली भारत के लिए तो है ही नहीं, कुल 1600 मेगावाट की क्षमता वाले इस प्लांट की 100% बिजली बांग्लादेश को भेजी जाएगी, जिसका समझौता आगे रहकर मोदी सरकार ने करवाया है। अडानी जी के इस पावर प्लांट का निर्माण चीन की कंपनी सेपको 3 और एसटीजी के द्वारा किया गया है। प्लांट के लिए गोड्डा जिले के सदर प्रखंड और पुड़ैया हाट प्रखंड के दर्जनों गांवों से 750 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है, जो मूल रूप से साहिबगंज से गोड्डा तक की पाइपलाइन भी इन्हीं आदिवासियों की जमीन से होकर गुजरेगी। लेकिन जमीनों को सरकारी स्वामित्व वाली जमीन के रूप में दिखाया गया है, यानी अडानी जी गंगा से भरपूर पानी खींच रहे हैं, आदिवासियों की जमीन कब्जा कर रहे हैं और जो बिजली बना रहे हैं वो भी टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बांग्लादेश को। माँ गंगा का बेटा कहने वाला बहादुर माँ के सीने पर भोग और विलास का इंतजाम कर चुका है। बुक कीजिए क्रूज, आप भी माँ गंगा के सीने पर चल रहे क्रूज में अय्याशी कीजिए। बेटे ने माँ को बहुत अच्छा तोहफा दिया है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इनायत में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।